भारत की आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समरसता के भाव के साथ सीहोर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ी से हुआ। बरखेड़ी से ट्रैक्टर रैली होते हुए झागरिया पहुंची इस किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में लगभग क्षेत्र के 300 ट्रैक्टर शामिल हुए। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व क्षेत्रवासी व किसानों सहित सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ हर्ष उल्लास के साथ निकली किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में समरसता के भाव से पूरे देश में शांति एकता के भाव से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन ग्राम बरखेड़ी से झागरे के लिए किया जा रहा है। लगभग इसमें से 200 से 250 ट्रैक्टर इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जिसमें समस्त पूरे क्षेत्र के किसान भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और समस्त हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी के गण भी इसमें उपस्थित हैं। रैली, किसान तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी समरसता से और समानता के साथ रहें और देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा काम करें। आज ये हमारे जिला पंचायत के सदस्य भैया डॉक्टर सुरेंद्र जी मेवाड़ा जी के नेतृत्व में, हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय शंकर पटेल जी, हमारे जिला के हमारे किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष माननीय मान सिंह जी ठाकुर साहब और हमारे प्रदेश के जो संयोजक हैं माननीय राठौर साहब, सारे हमारे किसान भाई, सारे युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इस रैली में सारे लोग सम्मिलित हैं। 200-250 ट्रैक्टर के करीब हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं और ये बरखेड़ी से इसका झागरिया में समापन होगा और इसका उद्देश्य यही है कि सभी भाईचारे से रहे, एकता से रहे, समरसता से रहे और देश की एकता अखंडता हमेशा बनी रहे, इसके लिए ये पूरी रैली निकाली जा रही। सभी को मैं अग्रिम 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। राहुल मालवीय, सीहोर।